हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब मेरी तरफ से सबका वेलकम बैक टू चैनल गाइस। एक नए व्लॉग की शुरुआत 4 बजे, बारिश का मौसम बन गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी गर्मी थी, बड़ी ह्यूमिडिटी थी, चिपचिप हो रही थी, लगता है बारिश होएगी। एक हमारा डिसएडवांटेज है, जो मैं जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ ना, इस सेक्टर में बारिश ही नहीं होती है। पता लगता है आसपास सेक्टर सारे गीले पड़े हैं, बारिश होकर हट गई, लेकिन यहाँ बारिश ही नहीं होती है। पता नहीं क्या रीज़न है, क्या इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, क्या चक्कर है, क्या नहीं समझ से बाहर ही हमारे। पता लगता है कि आसपास बारिश हुई, पानी खड़ा हुआ। इधर से हम दूसरे सेक्टर में जाएंगे ना तो ऐसे से पानी खड़ा होता है और यहाँ से बारिश बादल ऊपर से गुजर के निकल जाते हैं, बारिश ही नहीं हो पाती। ठीक है जी, फिलहाल कुछ ना कुछ चलते हैं, घूमते फिरते हैं, दिखाते हैं आपको। व्हाट्स द टाइम, 4 बजे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सिविक में विराजमान हो गया हैरी की, पीछे प्रिंस बैठा नमकीन इंजॉय कर रहा है। हैरी की गाड़ी में आज मैं इस साइड बैठा हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर स्टेयरिंग पकड़ के बैठा होता हूँ। आज यहाँ से व्लॉग कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं जी 16 रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन में फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वैसे तो गुलाब खिलते हैं वहाँ पे फेबररी वगैरह में। मैंने कहा नाले सैर कर लांगे, नाले थोनों वीडियो बना के दिखा देंगे रोज़ गार्डन चंडीगढ़ का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है कि कैसा है, थोड़ा बहुत अंडर पास दिखा देंगे, वहीं जाके पता चलेगा। सैर की सैर हो जाएगी। 6:30 बज गए हैं, रोज़ गार्डन पहुँचते हैं, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। फ्रेंड्स एंजॉयिंग नमकीन भुजिया, कुछ नाम। बाहर का मौसम क्लाउडी और कोई बारिश नहीं, चिपचिप ह्यूमिडिटी। बाघ देखो, रोज़ गार्डन की पार्किंग, ये मेन पार्किंग है इसकी। देखो साइकिल खड़े हैं ये वाले, जो रेंट पे मिलते हैं। हाँ ये सारा इसके अंदर रोज़ गार्डन है, तो फुहारे भी चल रहे हैं। इसमें पहले भाई 100 रुपये डाल दो इनके अपने, जब चल लो। हमारी स्वागत है, ऐसे ही है ये। किसने का ट्राईपॉड उठा लिया? हैरी पूरी शूटिंग ले जा रहा है ट्राईपॉड उठा के। चलो आ जाओ, हैरी तो सबको फेल करेगा यहाँ। रोज़ गार्डन चंडीगढ़, यहाँ भी भीड़ लगती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा टूरिस्ट स्पॉट की वजह से है ना। ना नींबू पानी पी लेंगे। अरे आते ही पानी पीने लग गया, बिस्लरी का ठंडा ठंडा, मेरा तो उसने मुंह साड़ने दिया, मुंह ज़्यादा ठंडा कर दिया, गला खराब करवाएगा। बर्फ वाला पानी है, अच्छा बिल्कुल गर्म बांध लाऊंगे। चाय भी पी रहा था तुमने? एक साइड ठंडा पानी एक साइड चाय, क्या कॉम्बिनेशन है। चाय तो अभी आई नहीं, चाय भी रख के बैठा, पानी ठंडा पहले इसके ऊपर चाय गरम सर्द डायरेक्ट। रोज़ गार्डन फुल तोड़ना मना है। चलो बिल्कुल सामने सिटको रोज़ गार्डन मिल्क बार। वैसे यहाँ से आते लोग ऑटो ऑटो खड़े हैं। नेम्ड आफ्टर इंडियन फॉर्मर प्रेजिडेंट जाकिर हुसैन। अच्छा ये देखो जी, इसके बारे में लिखा हुआ है, रोज़ गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967। जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन बोलते हैं इसको, चंडीगढ़ फर्स्ट चीफ कमिश्नर पढ़ सकते हैं आप। 800 वराइटीज़ हैं रोज़ेस की और 40 एकड़ में है, 5000 प्लांट। 40 एकड़ क्या हो? देखो कितना बड़ा है वो एंट्रेंस है। यहाँ पे रोज़ फेस लगता होता है, वो देखो कैमरे भी लगे हुए, व्लॉगिंग कैमरा टू कैमरा। आ जा फिर इधर से चलते हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे आज हम। देखो अंदर फुहारे फुहारे, मौसम भी सुहाना है आज। कैमरा ये देखो इधर भी लगे हुए हैं। ये देखो कितनी स्पीशीज हैं इसकी रोज़ की, सन गार्डन हॉस्पिस अलग अलग नाम है इनके, रॉयल डॉट 40 पॉइंट कुछ लिखा है। ये देखो ब्लैक रूबी, तो ऐसे सारे रोज़ की आपको वैरायटीज मिलेंगी। देखो फ्लड लाइट्स भी लगी हुई हैं, कोई कोई गुलाब खिला हुआ है, देखो वाइट कलर का रोज़ फुवारे। ये चीज़ सही है, इधर रोजेज ही रोजेज हैं, इधर तो खिले हुए हैं यार गुलाब। देखो सारा रोज़ गार्डन चंडीगढ़ का। देखो पानी के बीच में टूरिस्ट घूम रहे हैं यहाँ, तो ये तो चीज़ अच्छी है।
पानी रिसाइकल हो रहा है, देखो नीचे ही जा रहा है सारा। रोज गार्डन प्रिंस डालेगा अब स्नैप। हैरी तो पूरी ट्राइपॉड लेके शूटिंग करने निकला, देखो सारा रोज गार्डन है ये, फुहारे ही फुहारे। हाँ, हवा सही चल रही ना यहाँ, पानी की वजह से ठंड लग रही है। हाँ, आ जा, तू कहाँ जा रहा है? उसने अपने वीडियोस बनानी है। देखो यहाँ पे प्रैंक प्रूंग भी पहले बहुत शूट करते थे, शुरू शुरू में जब प्रैंक वीडियोस बनी है यहाँ पे बहुत शूट किया लोगों ने। ग्रीनरी ग्रीनरी है, देखो घास भी बड़ा अच्छा है यहाँ। सैर करने आ सको वहाँ, देखो कितनी भीड़ है दूर दूर तक, लोग ही लोग हैं उधर। रोज़ गार्डन देखो, ये चीज़ें गलत हैं। बोतल हमने भी उठा रखी है लेकिन हम ऐसे फेंकेंगे नहीं जैसे लोगों ने ऐसे फेंक दी है। हैरी ने देखो अपना ताम जाम लगा लिया है, वीडियो स्टार्ट कर रहा है, वो भी अपने शॉर्ट्स बना रहा है। वो देखो वहाँ पे, वो देखो ट्राईपॉड लगा के खड़ा है वो रोज़ गार्डन में। पूरा ग्लिम्स लो एक गार्डन का यहाँ से, कितना बड़ा है यार ये रोज़ गार्डन। देखो 40 एकड़ में लिखा हुआ है, 40 एकड़ मीन्स 40 किले। देखो रोज़ के कितने वैरायटीज़ हैं और कैसे लगा रखे हैं ये एक सीक्वेंस में। मेनली रोज़ गार्डन में यही है रोज़ेस। ये देखो अल्बा मैक्सिमा, ये नाम है इनके, लेकिन इनको तोड़ने पे फाइन है। क्लाइडोस्कोप इनकी वैरायटीज़, पता नहीं कैसे नाम रखे हुए। सॉफ्ट कॉर्नर हैरी रिस्की, अच्छा हैरी का भी है, स्कैन भी कर सकते हो आप इसे। ये देखो हैरी रिस्की, स्कैनर क्यों लगा रखा है? आ जा, हैप्पीनेस, इसका नाम हैप्पीनेस है। अलग अलग नाम है देखो गुलाबों के, वैरायटीज़ के। तो रोज़ गार्डन बेसिकली इसी चीज़ के लिए फेमस है। इसका नाम क्या है, पोलो। देखो कुछ गुलाब खिले भी हुए हैं, देखो जैसे वाइट रेड, या तो सूख गए हैं या खिले हुए हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है दोनों में से। देखो लोग कैसे फ़ोटो फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे, वो बड़ा अच्छा है। फुहारे फुहरे और ये रैंप सा बीच में चढ़ के, रॉयल बेबी सिंडी माउंटेन हुड लागर फील्ड। लोग एक्सरसाइज उक्साइज भी कर रहे हैं नंगे पंगे होके। ये है जी अंडरपास, अंडरग्राउंड रास्ता सीधा उस साइड निकलेगा रोड के, ठीक है जी 17 सेक्टर में। देखो साइकिल वाले भी घूम रहे हैं इसमें, पैदल भी घूम रहे हैं लोग, साइकिल वाले बहुत ज़्यादा। सारा अंडरपास है ये, बस उधर नहीं जाना, पूरा क्या जाना, क्रॉसिंग है बस ये बेसिकली उधर तक। देखो उधर है अंडरपास जो अभी दिखाया आपको। यहाँ पे देखो झूले वगैरह बच्चों के लिए, हर टाइप की चीज़ है इस पार्क में। देखो कितनी भीड़ है, प्रिंस घूम रहा, और ये सारा रिक्रिएशनल बच्चों के लिए झूले वगैरह। देखो कितने बच्चे स्विंग्स वगैरह ले रहे हैं। ये भी वैसे मेन गेट है इसका, यहाँ से भी लोग आते हैं, और वहाँ वॉशरूम है। सारा रोज़ गार्डन का हिस्सा है। आ जा अभी इधर से चलते हैं उधर को, पुल क्रॉस करके पूरा पेरीफेरी में एक गेड़ा मारा था। वैसे तो बहुत बड़ा है। हाँ कुछ मरा मुरा होगा, इनको कुछ दिख रहा होगा। देख 500 रुपये फाइन है यहाँ पे। प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स इज प्रोहिबिटेड, फाइन 500 रुपीज़। ये जो नाला है ना, ये आपको शुरू में भी दिखाया था एक गार्डन मैंने, बोटैनिकल गार्डन कौन सा था, उसमें से आ रहा है ये, शुरू से एक सेक्टर से शुरू हो रहा है, 2 सेक्टर से। ये बहुत दूर से आता था सर कोई, और ये 36-42 वाली साइड आगे पूरा चंडीगढ़ में 42 में ये वाला सारा पानी भी इसमें। पानी नाला है बरसाती सा, नाला बरसात में भर जाएगा ना ये सारा। अभी इसमें मॉनसून में पानी आएगा, अभी नहीं है इसमें। ये देख ये कैसा बनाया है ना चलने को, विंगा टेढ़ा, सीधा भी तो बना सकते थे, डिज़ाइन की तरह बनाया। ये देखो बीच में बीयर का वो भी है बूथ, ये पहली बार देखा हमने पार्क के अंदर बूथ। देखो इधर भी रोज़ गार्डन, रोज़ ही रोज़ हैं हर जगह। देखो वैराइटीज ऑफ रोजेज, रोजेज सारा रोज़ गार्डन। हाँ क्रिसमस ट्री सा, ये भी देखो वेर का लस्सी, वेर का बूथ है इसके अंदर। रोजेज एंड रोजेज हर जगह।
और हम रोज गार्डन के अंदर, आज संडे है, हमने दिन भी कौन सा चूज किया, मैं भी कहूँ इतनी भीड़ कैसे, देख जामुन कैसे पड़े नीचे, जामुन का पेड़ है, हाँ लगे हुए हैं ऊपर, दो जा रही हैं। ये देखो गाइस कितना बड़ा फुहारा है, ठंडा ठंडा हवा आएगी, उस गीला हो रहे लोग, ये सही है, भीगेंगे थोड़ा सा मज़ा आएगा। ये देखो ये वो नाला सा, पानी पानी इधर हो गया सारा, गीला ही हुआ थोड़ा, हाँ हवा इधर की होगी ना, ऊंचा तो बहुत है ये, गीला हो गया है, पूरा वाटर प्रूफ है ना, ये कहीं खराब हो जाए पानी की चक्कर में, देखो पानी पानी हो गया स्क्रीन पे भी, सवाल आ गया, यही नहाने आ जा करें फिर तौलिया तुलिया लेके, ओहो वो इधर तक आ रहा है ना, ये देखो इधर भी सैर सपाटा हो रहा है, पीछे से घुमा के लाता हूँ अब आपको, पीछे वाला एरिया दिखाता हूँ, ऊपर पानी पानी हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत खूबसूरत बना रखी हैं, पुल पल से है ना, नाले में खैर पानी तो नहीं है, इसी पे कितने पुल बना दिए, जाके हैरी को मिलते हैं और ढूंढते हैं कहाँ पे वो। ये भी गेट है, ये घर देखो पीछे किसका घर है, घर नहीं है कला भवन है गाइस, हाँ पंजाब कला भवन उसकी बिल्डिंग है ये, प्लेस वगैरह होते हैं, देखो सोलर पैनल कितने लगा रखे हैं इधर, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इससे मेरे को लगता है लाइटें जलती हैं जो गार्डन की हैं, अलग वैरायटी क्रॉस, हां नाम अलग है, रोजेस बड़े टाइप के हैं यहां पे, 800 वैरायटी हैं, ये कला भवन है देखो, इसी की बिल्डिंग दिख रही थी पीछे से, तो प्ले ब्लू चल रहा होगा या वो चल रहा होगा, क्या कहते हैं इसमें, हाँ कुछ चल रहा है उधर, प्ले ब्लू या कुछ ना कुछ, ये भी गेट है रोज गार्डन, कितने गेट हैं यार इसके, ये देखो पेड़ों पे ये भी लगा रखे हैं, और ये छोटे छोटे घर ये क्यों बना रखे हैं, ये भी हिस्सा है जी ऑफिस हॉर्टिकल्चर स्टोर, या आम रास्ता नहीं है, इधर नहीं जा सकते, वो है जी कला भवन, तो प्ले था आज पूरे के अंदर, संडे को काफ़ी प्रोग्राम होते रहते चंडीगढ़ में, वो वाले पेड़ पे पूरा विंड चाइम लगे हुए उस पर, वो देखो एक पेड़ पूरा उससे बना रखा है, पूरे दूसरे कोने पे आगे घूम गए, वॉशरूम ही वॉशरूम है अंदर, और पानी पीने के लिए वाटर कूलर भी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर, ऐसे थोड़ी रोज़ गार्डन कहते हैं, कितना कुछ है, आम गार्डन नहीं है, हाँ पत्थर भी बड़ा सुंदर है, ऑल माई लविंग वैरायटी, इस पर लिखा गया हुआ है पत्थर चीफ आर्किटेक्चर ऑफ वी एन शर्मा, कुछ लिखा हुआ है इसके पेड़ पे, चीफ कमिश्नर वाटर कूलर, ये है वैसे मेन एंट्रेंस इसकी, जहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये वाली रंगोली रंगोली बनी हुई इसके इधर, ये इधर, ये रोज फेस्टिवल पे तो बहुत भीड़ होती है, यहाँ वो फाउंटेन है जिससे हमें भीगा था, अब हैरी गॉड ढूंढना इज अ टास्क, वही होगा वैसे, वो चलते हैं उधर, बीच में रास्ता भी है इसके, इनका पानी बाहर नहीं आता फाउंटेन्स का, वो रहा हैरी है उधर का ट्राईपॉड लगा के, वो देखो गाइस दिल नहीं कर रहा इसमें कूदने का, ठंडा ठंडा पानी, रोज गार्डन सारा पूरा घूमा है, उधर से शुरू किया था हमने, पूरा एंड पे घूमते घूमते आगे सैर भी होगी, और इधर ही शुरू किया था, और हैरी देखो सामने, चलो रोज गार्डन से विदा लेते हैं, वो तो मैं देख लिया, द पार्ट इज डन, हैरी ने इधर ही रोज गार्डन में घूम लिया पूरा, एक ही जगह मुंडा सिद्धू आता इतने घूम लिया, बस अंदर का गिले भी वैसे मजा आया, पुलिस कोई आया है गेड़ा मारने आया, गेड़ा मारने आया यहाँ पे, पता नहीं वैसी सैर करने, हाँ पुलिस तो बहुत है उधर, देखो उधर पुलिस घूम रही है, रोज गार्डन चंडीगढ़ सारे देख लिया, ठीक है जी चले अब यहाँ से, छोटा सा ब्लॉग, वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल, बेल आइकन दबा दो, ट्राई वॉट।